साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला में आज हमारे बीच में उर्दू के तीन मशहूर अफसाना निगार यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें जनाब मुशर्रफ आलम जौकी साहब, सादिका नवाब सहर साहिबा, डॉक्टर अहमद सगीर साहब। मैं अकादमी की ओर से आप तीनों ही रचनाकारों का खैर मकदम करता हूँ और मैं बहुत ही मुख्तसर में तीनों ही रचनाकारों का आप सभी से परिचय करवा देता हूँ। जनाब मुशर्रफ आलम जौकी साहब उर्दू के नामवर मुमताज अफसाना निगार हैं। 12 उपन्यास और 7 कहानी संग्रहों से आपकी उर्दू और हिंदी में प्रतिष्ठा है। आप फिल्म लेखन और निर्देशन से भी जुड़े हुए हैं। आपकी रचनाओं का देशी और विदेशी तमाम भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपकी रचनाएं देशी और विदेशी पत्र पत्रिकाओं में बहुत ही सम्मान से प्रकाशित हुई हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ मुशर्रफ आलम जौकी साहब का स्वागत करता हूं। सादिका नवाब सहर साहिबा उर्दू की मशहूर अफसाना निगार और ड्रामा निगार हैं। आपके 2 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह और हिंदी में 11 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपको कई महत्वपूर्ण सम्मानों से नवाजा गया है। हम सादिका नवाब सहर साहिबा का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर अहमद सगीर साहब का शुमार देश के मशहूर फिक्शन राइटर में होता है। आपकी लगभग 1.5 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें उपन्यास, कहानी संग्रह, विनिबंध आदि शामिल हैं। आज हम इन तीनों ही रचनाकारों का रचना पाठ, उनका कहानी पाठ सुनेंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं जनाब मुशर्रफ आलम जौकी साहब को। आज एक बेहद उदास करने वाला दिन है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि साहित्य अकादमी के इस प्रोग्राम में मिर्ज़ा के सुल्तान ताज बादशाह मुश्तबा हुसैन की याद में 1 सेकंड की खामोशी रखें, फिर मैं अपना अफसाना शुरू करूंगा। शुक्रिया। उन कहीं सो बेखबरी रही, गुलबानों ने किसी मुल्क के अजायब घर में रखे हुए शैतान के एक ख्याली मुजस्मे के बारे में सुना था। उसका चेहरा दहशत का अक्कास और खौफनाक था, और इस चेहरे पर बातिन में जगह बनाने और ताफुन को ना सिर्फ देखा जा सकता था बल्कि कुछ लोगों का कयास था। जस्मे से बदबू की लहरें भी होती है। सामने वो शख्स था, वो कोई शैतानी मुजस्मा नहीं था, मगर वो अजीब था अपने चेहरे और लिबास के साथ, और तारीकी में उसका चेहरा साफ पढ़ा जा सकता था। वो सफेद लब, उसकी आंखें मुर्दे की आंखों की तरह थी, और जिस्म के किसी हिस्से या उसके खड़े होने के अंदाज से ये कयास लगाना मुश्किल था कि वो जिंदा है। जो शख्स सामने था उसकी आंखों की पुतलियां साकित थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो एक रोबोट है जिसने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी और दरवाजा खोल दिया, और इससे ज्यादा वो अपने काम से वाकिफ नहीं है। बाहर बारिश हो रही है, मसीह सपरा खामोश रहा। बहुत सर्दी है और मैं भीग चुकी हूँ, मसीह सपरा इस बार भी खामोश रहा। तुम मुझे डरा रहे हो, कौन हो तुम? मसीह सपरा, आवाज सर्दी, अंदर आ जाओ, आ जाओ। मसीह सपरा ने जगह दी, गुलबानो अंदर आ गई। मसीह सपरा ने दरवाजा बंद किया। गुलबानो कत्ल करने के बाद भी इस कदर खौफजदा नहीं थी जिस कदर खौफजदा इस घर के माहौल को देखकर हो रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कहीं कोई खिड़की या दरवाजा नहीं था। पूरे घर में खिड़की और दरवाजों को सफेद चादरों से बंद कर दिया गया था। कमरे में गहरा सन्नाटा था और अंधेरा, मगर हल्की रोशनी का एहसास हो रहा था जिससे वो बखूबी इस कमरे को देख सकती थी। और अचानक गुलबानो चौंक गई। चादर के करीब एक मुजस्मा था। मुजस्मे को भी सफेद चादर से ढक दिया गया था, और ये मुजस्मा इस वक्त उसकी तरफ देख रहा था। ये एक औरत का मुजस्मा था। ये क्या है? खौफजदा होकर उसने पूछा। मौत का फरिश्ता, तुम क्या हो? ईसाई? नहीं। यहूदी? नहीं। फिर क्या हो? मुर्दा। गुलबानो अपनी जगह से उठी। तेज सनसनाहट उसने सारे जिस्म में महसूस की। उसके होंठ लरस रहे थे। एक घाव नहीं, मगर तुम जिंदा हो और मेरे साथ खड़े हो। वाहियात, मैं मुर्दा हूँ, मर चुका हूँ। मुर्दे बोला नहीं करते, बोलते हैं
सुना नहीं करते, सुनते भी हैं। कैसे? तुमने कभी कब्र में झांक कर किसी मुर्दे को देखा है? नहीं। गुलबानों को एहसास था कि वो किसी अल्फलैजवी दुनिया में आ गई है। उसने पूछा, बाहर उसे एक नेम प्लेट मिली थी, नेम प्लेट पर मुर्दा घर लिखा हुआ था, वो मेरा ही नेम प्लेट है। फिर उसे पार्क में क्यों फेंक दिया? जिंदों के दरमियान मुर्दे नहीं होते। ये किसने कहा? पुलिस ने। ओ, उसका खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। सामने जो भी शख्स था दिलचस्प था, मगर खुद को मुर्दा कह रहा था। गुलबानों ने मसीह सप्रा का जायजा लिया। उसका चेहरा हर किस्म के तासुरात से आरी था। मसीह सप्रा गौर से गुलबानों को देख रहा था और समझने से कासिर था कि सारी दुनिया में इस लड़की को उसका घर ही क्यों नजर आया। मसीह सप्रा ने आवाज सुनी। गुलबानों ने लंबी सांस ली, फिर कहा, मैं यहाँ एक कत्ल करके आई हूँ, यहाँ कोई जिंदा नहीं है, मैंने एक कत्ल किया है और मुझे पनाह चाहिए। पनाह नहीं है, ये मुर्दा खाना है। अगर मैं मुर्दा हो जाऊं, तुम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हें जिंदगी नजर आ रही है, और अगर मैं जिंदगी उतार दूं तो फिर यहाँ रह सकती हो, मगर शर्त है। शर्त क्या? तुम्हें मुर्दों की तरह रहना होगा। मुर्दे कैसे रहते हैं? मुर्दे सोचते नहीं, बोलते नहीं, सुनते नहीं, लेकिन तुमने तो आवाज सुनी, दरवाजा खोला और मेरी बात का जवाब भी दे रहे हो। मुर्दे सोचते नहीं, बोलते नहीं, सुनते नहीं, मसीह सप्रा ने दोहराया, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। गुलबानों ने जगह तलाशी कि वो कहीं बैठ सके। सियाह रात में झूलती चादर में बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, बिजली तेज आवाज में कड़क रही थी। गुलबानों सर्दी के एहसास से बाहर निकल आई थी। फ्रिज के पास एक छोटा सा डाइनिंग टेबल था और सिर्फ एक कुर्सी पड़ी थी, यकीनन ये मुर्दा। और इस बात पर, इस आलम में भी गुलबानों के होंठ पर मुस्कुराहट तेज हो गई कि ये खाना भी खाता होगा, खाना बनाता भी होगा। उसने आहिस्ता से पूछा, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है? मसीह सप्रा ने फ्रिज की तरफ इशारा किया, कुछ सैंडविच पड़े होंगे, मगर ये सब लाते कहाँ से हो? बाजार से, मुर्दे बाजार जाते हैं। हाँ, तुमने सुना नहीं, बाजार में होते हैं, हजारों लाखों के दरमियान शॉपिंग भी करते हैं। मुर्दे शॉपिंग क्यों करते हैं? मुर्दों को भी जरूरत पड़ती है। गुलबानो मसीह सप्रा के अंदाज में बोली, वाहियात, मर जाने के बाद मुर्दों को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तुम मरी नहीं हो, इसलिए तुम वाकिफ। अच्छा ठहरो, गुलबानों ने इधर उधर देखा, सियाह कमरे का जायजा लिया। एक वो दरवाजा जिससे वो आई है, पीछे का दरवाजा, एक आगे का दरवाजा जहाँ ताला बंद है। उसके लहजे में तजस्सुस था, बाहर किस रास्ते से जाते हो? मसीह सप्रा ने इशारा किया, इसकी कुंडी तो अंदर से है। हाँ, फिर दरवाजा खोल कर जाता हूँ, डर नहीं लगता कोई चोर आ जाए तो? मुर्दों के घर में चोर नहीं आते, मुर्दा घर सबके लिए है, चोर डाकू लुटेरे, फंस करो, कभी चोर आ गए नहीं आएंगे। मसीह सप्रा मुतमईन था, आने जाने के दरमियान का वक्फा ज्यादा नहीं होता, वो अपने लिए महीने भर की शॉपिंग कर लेता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गुलबानों ने फ्रिज खोला, एक सैंडविच निकाली। उसे खुशी हुई कि उसका हैंडबैग अभी उसके कंधे से झूल रहा था। इस दरमियान वो अपने बैग को भूल गई थी, यानी गोली चलाने के बाद और दरवाजे से बाहर निकलने से कबल उसने बैग कंधे पर डाल लिया था और बैठने और सड़क पर भटकने के दौरान उसे इस बात का एहसास तक नहीं था कि बैग उसके कंधे से झूल रहा है। सैंडविच फ्रिज में होने के बावजूद ताजा गर्म थी और गर्म करने की जरूरत नहीं थी। एक सैंडविच खाने के बाद ही वो मुतमईन थी कि अब भूख नहीं लगेगी और रात आसानी से गुजर जाएगी। फ्रिज के करीब किचन था, किचन की खिड़की पर भी मोटे सफेद पर्दे पड़े हुए थे। अंधेरे में उसने पानी का गिलास तलाश किया, किचन में सामान कम थे इसलिए पानी का गिलास और अक्वागार्ड तलाश करने में उसे देर नहीं। ताजा दम होने के बाद वो मसीह सप्रा के किसी तुम सब कौन? सब इंसान, अजीज, रिश्तेदार और बाहर भी मुर्दे हैं, मुर्दे। गुलबानों ने अपने अंदर की अल्फलैलवी किरदार मूसा बिन नसीर का लश्कर मौजूद था, मगर ये लश्कर खौफ ज़दा था। पीतल के बाजार में सिर्फ मुर्दे थे।
दुकानें थी मगर मुर्दे, बारौनक बाजार थे मगर रखवाली करने वाले फर्श पर मुर्दा पड़े थे, खूबसूरत सड़कें थी मगर चारों तरफ ये थी, बड़े बड़े इमारतों के मकीन लाशों में तब्दील हो चुके थे। अचानक उसे ख्याल आया कि उसके बैग में उसका मोबाइल है और मोबाइल उसको ट्रेस किया जा सकता है। उसने बैग खोला, मोबाइल निकाला, मोबाइल के सिम के टुकड़े कर दिए। डस्टबिन कहाँ है? हाँ, मसीह सपरा ने कहा, और खुदा के लिए मोबाइल को डस्टबिन में डाल दो, ये मुर्दा घर है और यहाँ मोबाइल की जरूरत नहीं। अच्छा, गुलबान उठी, अंधेरे में डस्टबिन तलाश किया। डस्टबिन किचन के कोने में रखा हुआ था। उसने मोबाइल और सिम के टुकड़े डस्टबिन में डाल दिए। वो दोबारा मसीह सपरा के सामने थी। उसने पूछा, क्या यहाँ लाइट नहीं है? मेरा मतलब है रोशनी। आ नहीं है। क्यों? कहा ना, मुर्दों को रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। ओ, गुलबानो मुस्कुराई, तो मुझे भी इसी तरह यहाँ रहने की आदत डालनी होगी। क्या तुम मुझे पनाह दोगे? मुर्दा खाना सबके लिए है, मगर क्या, यहाँ रहने के कुछ कानून है और तुम्हें इस पर अमल करना होगा। कैसे कानून? मसीह सपरा ने अपना फैसला सुना दिया। तुम्हें मुर्दों की तरह रहना होगा, तुम्हें मुर्दों की तरह जमीन पर सोना होगा, और ये लिबास जो इस वक्त तुम्हारे जिस पर है, ये लिबास मुर्दा घर में नहीं चलेगा। तुम्हारे लिए लिबास लाने होंगे। मुर्दों का लिबास सफेद कसम होता है, सफेद कसम जैसा इस वक्त मेरे जिस्म पर है। मेरे अफसाने का उन्वान है सहमे क्यों हो अंकुश। आवाज आ रही है साहब? जी आ रही है। सहमे क्यों हो अंकुश। मिसेस पाटिल बहुत परेशान थी, शर्मिंदा भी थी, ताकि उनका शरीर बच्चा शरारतों में इस हद तक बढ़ जाएगा कि उन्हें पूरे कस्बे में शर्मिंदा होना पड़ेगा। अंकुश नाम का अंकुश यानी बंधन था, मगर उस पर कोई बंधन आयद नहीं कर सकता था। वो एक लम्हा खामोश नहीं बैठ सकता था। क्लास में टीचर के पढ़ाते वक्त भी वो बेचैन बेचैन से अपनी जगह हिलता रहता था। जैसे ही टीचर तख्ते से आकी जानी पलटती, वो अपनी जगह से फौरन उठ खड़ा होता, यहाँ ताकता, वहां झांकता, या दीवारों पर लगे हुए पोस्टर गौर से देखता रहता और उनकी कहानियों नज्मों की दुनिया में खो जाता। पता नहीं वो इतनी बेकली का शिकार था, लेकिन कल तो उसने हद ही कर दी। दोपहर के खाने के वक्फे में नीरज ने अपनी पानी की बोतल उसे देकर कहा था, जा कूलर से पानी भर कर ला। अंकुश उसका चेहरा देखने लगा, जल्दी नहीं तो। नीरज ने तेजी से अपना दाया हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, वो सहम कर पीछे हटा। नीरज की नहीं तो की हद ही नहीं थी। अपने रुमाल से मेरे जूते साफ कर, नहीं तो। मेरा बैग उठा ला, नहीं तो। कल ही नीरज ने अंकुश से कहा था, मैं लिख रहा हूं ना, मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, अंकुश चिढ़कर बोला था। जा यार तू ले आ, उसने पास खड़े हुए लड़के से कहा था। अंकुश को अपनी टीम से बाहर करते हैं, वो क्लास की तरफ मुड़ा और बोला, क्लास में अंकुश के साथ कौन खेलेगा? हम खेलेंगी। लड़कियों की बेंचों से दो तीन आवाजें उभरी थी। अंकुश लड़कियों के साथ खेलेगा? अंकुश लड़की लड़की लड़की, लड़के हाथ हिला हिलाकर अंकुश का मजाक उड़ा रहे थे। ये तो रोज की बात थी। अंकुश बादिले नाख्वास्ता उठा, नजर अपनी साथियों पर डाली और बोतल मुंह से लगा ली। पहले घूंट पर ही नीरज थूकता हुआ वॉश बेसिन की तरफ दौड़ा। अंकुश हंसने लगा। नीरज वॉश बेसिन से दौड़ता हुआ लौटा, आते ही उसने अंकुश के मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया और दोनों की हाथापाई शुरू हो गई। वक्फा खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक की घंटी की घनघनाहट अपनी अपनी क्लास की तरफ दौड़ते हुए बच्चों के शोर में एक जान होने लगी, लेकिन नीरज ने घूंसाबाजी बंद नहीं की। उसका गुस्सा किसी तरह ठंडा नहीं हो रहा था। दोनों लड़ते लड़ते क्लास के दरवाजे तक आ गए थे। अंकुश की हंसी अब बंद हो चुकी थी। वह अपनी शर्ट के ऊपर के दो बटन लगाने की कोशिश कर रहा था जो धागे के साथ लटक गए थे। दोनों के बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे, दोनों की सांस बुरी तरह फूल रही थी। टीचर आ गई, बच्चों ने शोर मचाया और अपनी जगहों पर पहुंचते हुए एक आवाज में बोले, गुड मॉर्निंग टीचर। टीचर ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी तो टीचर से सिट डाउन सुनने से पहले ही अपने बेंचों पर बैठ भी गए। नीरज अभी तक अंकुश से भिड़ा हुआ था। टीचर ने दोनों की पीठ पर थप लगाई, दोनों के कान पकड़कर क्लास के अंदर ले गई। किस्सा मालूम करके पहले तो वो फक से हंस पड़ी, फिर संजीदा हो गई। टीचर ने अपनी हरी सूती साड़ी के पल्लू को कमर में उड़स लिया, पेशानी की हरी बिंदी पर उनकी मांग का सिंदूर छिटक गया। उस वक्त उनका चेहरा गुलाबी हो रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया? वो मुझे रोज सताता है।
इसीलिए अच्छा तुमने उसकी बात सुन ले वरना वो तेरे साथ नहीं खेलेगा। तो तुमको खेलने के लिए वही मिला था, वो मुझे किसी और के साथ खेलने नहीं देता टीचर। अच्छा फिर तो वो अच्छा लड़का है ना, तुम्हें अकेला होने नहीं देता, साथ रखता है। वो मुझे अपनी पीठ खुजलाने को भी कहता है, उसे खुजली होती होगी। क्या वो तुम्हें ही अपने काम करने को कहता है, दूसरे बच्चों को नहीं? पहले दूसरों से भी कहता था मगर अब मुझे ही कहता है, मेरे पीछे ही पड़ा रहता है क्योंकि तुम मना करते हो, है ना? अंकुश छटका फिर बोला हाँ। फिर वो बच्चों की तरह मुखातिब हुई, बोली बच्चों आपको पता है अंकुश ने एक गंदा काम किया है। बच्चे चिल्लाए, बताओ इसकी सजा क्या होनी चाहिए? बच्चे चुप्पी साधे बैठे रहे। बोलो बोलो, सब चुप थे। अच्छा एक काम करते हैं, नीरज तुम इधर आओ, तुम्हें ड्राइंग अच्छी आती है ना, ब्लैक बोर्ड पर ड्राइंग बनाओ अंकुश की। नीरज ने ड्राइंग बनाई, लंबी टहनियों जैसे हाथ पांव, बगैर बालों वाला गोल चेहरा, उस पर दो नुक्ते आंखें, नाक की जगह खड़ी लकीर और मतवाजी लकीर मुंह की। शाबाश, ये देखो तुम्हारे सेकंड ए क्लास के बच्चे दोस्त बच्चे ने अंकुश की ड्राइंग कितनी अच्छी बनाई है ना? नीरज के लिए ताली बजाओ। बच्चे तालियां बजाने लगे। अब हम अंकुश अंकुश खेलेंगे, ओके अंकुश? अंकुश ने हाँ में गर्दन हिलाई, वो बुरी तरह सहम गया था, न जाने टीचर उसे क्या सजा दें। चलो बच्चों नए खेल के लिए तालियां बजाओ। क्लास फिर एक बार तालियों से गूंजने लगी। बताओ ये क्या है, टीचर ने पूछा। ब्लैक बोर्ड टीचर बच्चा कौन है बोलो, टीचर ने पूछा। बच्चे चुप थे। अंकुश है ना, बोलो कौन है? अंकुश, बच्चे एक साथ बोले। टीचर ने डब्बे से चॉक निकाले, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और 30 बच्चों के क्लास में तकसीम कर दिए। फिर उन्होंने बाकी चौकों के भी टुकड़े किए और डब्बे में रख दिए। बच्चों तुमने देखा ब्लैक बोर्ड की इस ड्राइंग में अंकुश ने कपड़े पहने नहीं है ना? बच्चे चुप थे। बोलो नहीं पहने है ना? यस या नो? नो टीचर, बच्चे एक साथ चिल्लाए। जब मैं 1 2 3 बोलूं तो बच्चे ब्लैक बोर्ड पर इस अंकुश की ड्रॉइंग को चौक से मारेंगे। कहां मारेंगे? ब्लैक बोर्ड पर ना। ठीक है, यस और नो? बोलो यस। यस टीचर, सब चिल्लाए। देखो ये एक नया गेम है। अच्छा अच्छा 1 2 3 ब्लैक बोर्ड के अंकुश को चौक से मारो। चौक धड़ाधड़ तख्ते सिया से टकरा कर जमीन पर गिरने लगे। नहीं नहीं टीचर, नहीं टीचर, अंकुश अपने दोनों हाथ हिलाते हुए चिल्लाने लगा। जैसे ही बच्चों के हाथ के चौक खत्म होते टीचर डब्बा आगे बढ़ा देती, बच्चे उसमें से चौक निकालकर ड्राइंग को मारते। वाकई उनके लिए एक अनोखा खेल था। इधर अंकुश आंखें फाड़े तख्ते स्याह पर चौक मारने वाले अपने साथियों को और अपने टीचर को देख रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो अपने पास बैठे हुए बच्चे के पीछे मुंह छुपाने लगा। सॉरी टीचर, सॉरी टीचर, सॉरी सॉरी, वो लगातार सॉरी सॉरी कहे जा रहा था। टीचर अंकुश ने हाँ में सर हिलाया। सॉरी मुझे नहीं, नीरज को बोलो, टीचर ने उसके सर पर हाथ फेरा। वो थर्रा गया, उसे महसूस हुआ जैसे टीचर ने उसके सर में सुई चुभो दी हो। जल्दी से बोला सॉरी नीरज, ऐसे नहीं, यहाँ आओ। टीचर अंकुश के करीब आकर खड़ी हो गई। इसके पैर छूकर सॉरी नहीं बोलोगे तो वो माफ थोड़ी करेगा, बहुत गंदा काम किया है तुमने उसके साथ। अंकुश का जी चाह क्लास से भाग खड़ा हो, पलट कर ना देखे, जैसे वो रेस में करता है और हमेशा अव्वल रहता है। उसने दरवाजे की तरफ देखा, कड़ी लगी हुई थी। चलो, टीचर की आवाज उसे दूर से सुनाई दी। वो नीरज के पैरों पर झुकने लगा। अच्छा ठहरो, टीचर ने अंकुश को रोका और नीरज से पूछा, नीरज क्या तुमने अंकुश को माफ कर दिया? उसने तुमको सॉरी कह दिया है ना? नो टीचर, मुझे अब भी गुस्सा आ रहा है। बच्चों तुमने अंकुश को, तुम सब ने अंकुश को मारा ना? वो बच्चों की तरफ देखने लगी। यस टीचर, नीरज को अब शांत हो जाना चाहिए ना, है ना? बोलो यस। यस टीचर, बच्चे चिल्लाए। ओके टीचर, नीरज वाकई पुरसुकून हो गया। बच्चों अब खेल खत्म हुआ, मजा आया ना? इस खेल में नीरज जीत गया है, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। टीचर का ध्यान बेंच से बाहर निकलकर खड़े हुए बच्चों की तरफ गया। अब सब अपनी अपनी जगह बैठेंगे। यस और नो? यस टीचर। अंकुश और नीरज भी अपने बेंच पर लौट जाएंगे, वो सांस लेकर बोली, और अपनी अपनी तारीख की क्लास वर्क बुक निकालेंगे। खोल दी। तभी हेडमिस्ट्रेस क्लास में दाखिल हुई। उन्हें देखकर बच्चे उठ खड़े हुए, बोले गुड मॉर्निंग मैडम। हेडमिस्ट्रेस ने बच्चों को बैठने का इशारा किया। बच्चे थैंक यू मैडम कहकर बैठ गए। बच्चों को ऐसी ही तरबियत दी गई थी। मैंने सुना इस क्लास के बच्चे मुक्केबाजी की मशक कर रहे थे। जी मैडम, क्लास टीचर बोली, अंकुश ही की शरारत है
और हेडमिस्ट्रेस को अंग्रेजी में अंकुश की शरारत बताई। अंकुश कम हियर। हेडमिस्ट्रेस उसे अपने ऑफिस ले गई, उसके माँ बाप को फोन करके बुलाया और उसे 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। 2 दिन गुजर गए। तेरे कपड़े मैले हो गए हैं, ना नहाता है ना कपड़े बदलता है। मम्मी ने सोफे पर बैठे हुए अंकुश को हल्के से धप लगाई और बोली, चुप चुप क्यों रहता है, बोल तो क्या हुआ था। वो अंकुश के शर्ट के बाकी बचे हुए बटन खोलने लगी, जिन्हें उसने दोबारा लगाया के बावजूद मम्मी को परेशान सहमे सहमे अंकुश पर बेतहाशा प्यार आया। उसे बेचैन देखकर उन्होंने तड़प कर उसे अपनी तरफ खींचा और सीने से लगा लिया। 15 दिन की पढ़ाई, क्लास वर्क, होमवर्क सब कैसे कवर करोगे बता, भला ऐसे कोई शरारत करता है। अच्छा तूने उसे सजा दी, तो कोई ऐसी सजा कैसे सोच सकता है तू। वो मेरे पीछे पड़ा रहता है, मेरे डब्बे से मिठाई निकाल कर खा लेता है, ऊपर से वो मुझसे अपने जूते पहनाने को कहता है, हर रोज पानी। आज अंकुश खुलकर बोल रहा था। मैं सजा दी नीरज को, अंकुश ने सर उठाकर कहा, पता है तूने कितनी बड़ी सजा दी उसको। अंकुश ने धीरे से बंद मुंह से जवाब दिया, क्यों किया तूने ऐसा, गलती हो गई ना तेरी, मुझसे कहता, टीचर से कहता, बोल। हाँ मम्मी गलती हो गई। अचानक मम्मी को कुछ ख्याल आया, अंकुश की बात काटकर पूछा, अंकुश अच्छा ये बता, मुझे तो पता नहीं था, क्या तुझे भी मालूम नहीं था कि नीरज तेरी टीचर का बेटा है। पता है, वो मुझे सताता था, मैंने उसको सजा देने के लिए उसकी वाटर बॉटल में थोड़ा सा सूसू कर दिया। थोड़ा, बहुत बड़ा गलत काम हुआ है ना तुझसे। मम्मी ने आंखें फाड़ी, हाँ बहुत गलत काम हुआ है मुझसे, मगर मम्मी उन्होंने मुझे नंगा करके क्यों मारा। अंकुश ने अपना चेहरा दोबारा माँ के आंचल में छुपा लिया। वो तो तुम्हारे ड्रॉइंग पर चौक फेंक रहे थे ना, तुम्हें तो छुआ भी नहीं ना बेटा। नहीं मम्मी, उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मुझे बहुत मारा। मिसेस पाटिल ने महसूस किया वो सर से पांव तक लरज रहा था। लेकिन मम्मी उन्होंने मुझे नंगा करके क्यों मारा, मुझे कितनी शर्म आई थी। हाँ मम्मी बताइए ना, तो मुझे कपड़ों में भी मार सकते थे ना, उन्होंने मुझे नंगा करके क्यों मारा मम्मी। वो अपनी अपने जिस्म को माँ की साड़ी से ढकने लगा था। मिसेस पाटिल का सांवला चेहरा और सांवला गया, उन्होंने बेटे को अपनी बाहों में समेटने की कोशिश की। अंकुश इन 2 दिनों में फपक फपक कर पहली बार रोया था। मेरे सारे कमाल है आपको, धूप में लटक थका दिन चॉकलेटी शाम की बोर में सर रखकर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। सड़क पर घुल का पानी हो रहा था और शहर भर के गड्ढे मोहल्ले के करते हुए कूड़े के ढेर से दिमाग तक को घुटन में उतरा कर देने वाले आपको प्रभाव का शाम की सर्द हवा के साथ दूर दूर तक फैलना शुरू हो गया था। यूं तो दिन भर इस कूड़े के ताकुत से धोखे उठे रहते थे, लेकिन शाम होते होते उनकी बदबू में मजीद इजाफा हो जाता, मगर बुधवार की जिंदगी में इस बदबुओं से सूंघते रहने और कचरा बीनने के सिवा और कुछ नहीं रह गया था। शाम होते होते उसका बोसीदा बोरा कचरा कचरे से भर जाता, गंदी बोतलें, स्मार्ट डब्लोटीन टीन के डब्बे, शीशे के टुकड़े और आज हमने उर्दू के 3 मशहूर कहानीकारों से उनकी कहानियां सुनी। हम साहित्य अकादमी की ओर से आपके प्रति बेहद आभार व्यक्त करते हैं, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और साहित्य प्रेमियों के बीच में अपनी रचनाओं के साथ आए। मैं अकादमी की ओर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं आप तीनों ही रचनाकारों का, आदरणीय मुशर्रफ आलम जौकी साहब का, सादिका नवाब शहर साहिबा का और डॉक्टर अहमद सगीर साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।